हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स STS। आज का हमारा टॉपिक है पंजाबी मात्रा को लेकर। आज मैं आपको पंजाबी की मात्राएं सिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अ की मात्रा के बारे में। तो अ की मात्रा को पंजाबी में बोलते हैं कन्ना। तो मैंने इसका एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, जैसे हम हिंदी में अ की मात्रा पूरा अ जितना ही लगाते हैं, पर पंजाबी में जो अ की मात्रा में अ का डंडा लगता है वो हाफ लगता है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सिहारी। सिहारी मीन्स छोटी ई की मात्रा। इसका एग्जांपल मैंने दिया हुआ है का, का पर छोटी की मात्रा, और सेम वैसे ही पंजाबी में भी है। थर्ड है हमारा बिहारी। बिहारी मीन्स बड़ी ई की मात्रा। इसका भी हम ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसा बिल्कुल हिंदी में है, का पर बड़ी की मात्रा। इसका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। फोर्थ है हमारा ओंकार। ओंकार मीन्स ऊ, छोटे ऊ की मात्रा। तो क पर छोटे ऊ की मात्रा मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो पंजाबी में क प्लस छोटे ऊ की मात्रा में नीचे एक सिर्फ लाइन खींचनी है और वो बन जाता है कु। फिफ्थ है हमारा दुलंकार। तो क पे बड़े ऊ की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं, तो वही दो बार हमारी छोटी मात्राएं जो है वो नीचे लग जाती हैं, वो हो जाती है दुलंकार। सिक्स्थ है हमारा लावा, मीन्स ए की मात्रा। क पर ए की मात्रा, ये हमारी थोड़ी सी सिमिलर है हिंदी जैसी ही। सेवन्थ है हमारा बड़े ई की मात्रा, ये भी हमारी थोड़ी सिमिलर है, बड़े ई की मात्रा हम लगा देंगे और इसको पंजाबी में बोलते हैं दुलावा। एट्थ पॉइंट है हमारा होड़ा, मीन्स होड़ा मीन्स होता है छोटे ओ की मात्रा। तो इसमें ओ की मात्रा क पर ऐसे आती है जैसे छोटा सा फोर लिख दिया हूँ, तो क क के ऊपर ओ की मात्रा। नाइन्थ है हमारा कन्होरा। कन्होरा मीन्स बड़े ऊ की मात्रा। तो इस पर हम जैसे ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लिखते हैं, उसमें फोर बनाते हैं, उसमें बीच में लाइन डाल देते हैं, तो वो बड़े ऊ की मात्रा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पंजाबी की मात्राओं को सीखने में और पंजाबी लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप भी इन मात्राओं को लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।